हेलो दोस्तों दोस्तों इंडियन आर्मी रैली 2023, इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली 10वीं पास आवेदन भरे। आप यहां पे देख सकते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर 2023 की रैली का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो 10वीं पास होना चाहिए। आप यहां पे देख सकते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली 2023 भारतीय सेना के अग्निपथ भर्ती योजना अंतर्गत युवाओं के देश के लिए इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती हेतु डिफेंस जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली 2023 के योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अग्निवीर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। आर्मी अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट से जुड़ी भारतीय विभाग विज्ञापन आवेदन प्रक्रिया अंतिम तिथि एवं महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं संगठन का नाम भारतीय सेना, ठीक है। योजना का नाम अग्निपथ भर्ती योजना, एंड पद का जो नाम होगा सोल्जर जीडी एवं यन्ने। कुल वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है क्योंकि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, तो आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। एंड जो इसकी कैटेगरी है वो जॉब्स की ऑनलाइन है, एंड इसको इंडियन भर सकते हैं। एंड जो अगर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो 16 फरवरी 2023 है, एंड लास्ट डेट दोस्तों 15 मार्च 2023 है। अगर परीक्षा की बात करें तो 17 अप्रैल 2023 को परीक्षा होगा, एंड जो लैंग्वेज होगी उसकी हिंदी होगी, एंड जो नेशनलिटी होगी इंडियन होगी, भारतीय, ठीक है। और आप यहाँ पे और कुछ नोटिफिकेशन दे रखा है इन्होंने, इसको भी पढ़ सकते हैं। भारतीय सेना में इंडियन आर्मी अग्निवीर वैकेंसी के पूरे भारत के स्थानीय निवासी जो ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निपथ की तैयारी कर रहे महिला पुरुष अभ्यर्थी आर्मी की ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ज्वाइन इंडियन आर्मी लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अवलोकन करने के पश्चात विभाग द्वारा निर्धारित माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय सेना अग्निवीर रैली भर्ती पद विवरण दे रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर भारतीय अग्निवीर रैली भर्ती 2023 जोनवार सूची की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रैली का नाम दे रखा है, रजिस्ट्रेशन तिथि दे रखी है और नोटिफिकेशन दे रखी है। अगर आप AR आगरा से हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है 15/2023 से 15/3/2023 के बीच में है। आप यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो जैसे अल्मोड़ा की दे रखी है, अमेठी की, बरेली, लखनऊ, मेरठ, रामनगर, वाराणसी, ठीक है, बिहार, तो वैसे आप देख सकते हैं अरुणाचल, मुजफ्फरपुर, चेन्नई, ठीक है। अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो 10वीं या 12वीं पास आपको होना चाहिए और नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, इसका मतलब है कि आप भारतीय होना चाहिए। और अगर एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष एज होनी चाहिए। और आयु में जो छूट होगी मापदंडों के अनुसार होगी। आयु कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। एंड अगर इसके फीस की बात करें कि कितनी फीस किस कैटेगरी को देने होंगे फॉर्म ऑनलाइन करते समय, आप ये देख सकते हैं। तो सामान्य यानी कि जनरल के लिए 250 रुपये हैं, OBC के लिए भी 250 रुपये हैं, एंड SC ST के लिए भी 250 रुपये फीस है, ठीक है। एंड भारतीय सेना अग्निवीर वार्षिक पैकेज, ये दोस्तों जो आपका तनख्वाह होगा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाख रुपये, 30,000 रुपया प्रतिमाह, ठीक है। 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको मिलेंगे पहले वर्ष, एंड दूसरे वर्ष 33,000 रुपये हर महीने आपको मिलेंगे, एंड तृतीय वर्ष 36,500 रुपये मिलेंगे, एंड चतुर्थ वर्ष 40,000 मतलब कि 40,000 रुपये आपको मिलेंगे। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 14/2023 को, एंड आवेदन की प्रारंभिक तिथि यानी कि जब आवेदन स्टार्ट हुआ है 16/2023 को, अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट 15/3/2023 है, एंड परीक्षा की तिथि 17 अप्रैल 2023 है, ठीक है। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, क्या आपका आ जाएगा जल्दी। एंड यहाँ पे कुछ और बेनिफिट आप कर सकते हैं, सेवा निधि पैकेज समेत राशि 10.4 लाख रुपए, ठीक है। यानी कि जैसे आपको पता होगा कि अग्निवीर वैकेंसी केवल 4 सालों के लिए है, एंड उसके बाद जब आपका रिटायरमेंट होगा तो रिटायरमेंट के पश्चात आपको 10,40,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अधिकतम, सॉरी, यदि किसी अग्निवीर की सेवा अवधि के दौरान असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन 48 लाख रुपए का बीमा प्राप्त होंगे। अगर कोई वीर शहीद हो जाता है
ठीक है, सीमा पे, तो उसके परिवार को 48 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। ठीक है, अग्निवीर का कौशल प्रमाण पत्र सेवा की अवधि के अंत में अग्निवीर को एक विस्तृत कौशल सेट प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ठीक है, एक आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा 4 साल के बाद। 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र 10वीं कक्षा उत्तीर्ण के बाद नामांकित अग्निवीरों को 12 की प्रमाण पत्र उनकी 4 साल की सेवा की अवधि पूरी होने पर प्राप्त कौशल के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो जॉब की प्रोफाइल होगी क्लर्क स्टोर कीपर की, उन्हें आर्मी कैंटीन में उपलब्ध वस्तुओं की एवं सूची बनानी होगी। ठीक है, अग्निवीर जीडी की आप यहाँ देख सकते हैं क्या काम होगा, अग्निवीर ट्रेडमैन की क्या काम होगा आप पढ़ सकते हैं, टेक्निकल क्या क्या टेक्निकल जो होंगे उनके लिए क्या काम होगा आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, एंड तो फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का डेट दे रखा है। ठीक है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग डेट है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रैली भर्ती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अगर आप मेहनत करते हैं, अगर दौड़ निकाल लेते हैं और एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।